हाई माई डियर स्टूडेंट्स हेवे यू एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि मैम हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे हम क्या करें स्टैगनेंट हो गया है स्कोर और इट इज ड्रॉपिंग सो वी थाट वील मेक अ क्विक वीडियो टू एड्रेस दिस इश्यू हाई एवरीबडी माई नेम इ वेलकम टू देशन तो इस डिस्काशन को बिगेन करते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं तो पहले समझते हैं कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा स्कोर नहीं आ रहा मॉक्स में तो अगर हम उन रीजन को डिस्कस करने की कोशिश करें तो पहले तो आप ये चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है क्योंकि अगर आपको स्ट्रेटेजिकली कॉन्सेप्ट सॉर्टेड नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक सो डू दिस चेक कि भाई मैं किसी जगह कॉन्सेप्ट में तो ड्विंडल नहीं कर रही या कर रहा कि कहीं मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेरे को अप्रोच नहीं आ रही और मैं फिर क्वेश्चंस को मॉक्स में अटेम्प्ट कर रहे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि क्या आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो ये बड़ा क्रूशल है कि आपको रेगुलरली रिवाइज करना है राइट right? अदरवाइज आप भूल जाओगे तो so, ऐसा right? so, भी तो है कि कुछ पुराने महीनों के करंट अफेयर्स हैं जिनको रिविजन की जरूरत है राइट right? तो so, ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए क्योंकि तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपके जल्दी होंगे रिलेटिवली अगर आपके पास आपकी नॉलेज सॉर्टेड है क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है परफॉर्मेंस का ये भी एक रीजन हो सकता है क्योंकि देखिए एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि मैम जब आपके साथ करते हैं या इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी आती है आएगी क्योंकि तब आपके पास टाइम का प्रेशर नहीं है राइट तो एक्यूरेसी का मतलब है कि आप कब अच्छा परफॉर्म कर पाते हो जब आपके पास टाइम का प्रेशर है जब आपके पास एग्जाम का स्ट्रेस है तो इसके लिए जितना हो सके अब आप जब भी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करें तो टाइम्ड प्रैक्टिस करे ताकि आप यू you नो know, खुद को अकोमोडेट कर सके टू द एनवायरमेंट एंड सेटिंग ऑफ मॉक एंड देन फाइनली फॉर द एग्जाम राइट सो इफ देर इज टू मच ऑफ प्रेशर कि भाई मुझे तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करना है अगर आप उस प्रेशर में करते हो ना मॉक परफॉर्म तो आपका डेफिनेटली परफॉर्मेंस नीचे ही जाएगा तो रिलैक्स हो जाइए देखिए प्रोसेस को एंजॉय करिए मैं बार बार कहती हूँ कि एक मेजर रीजन जो आपकी परफॉर्मेंस को ऊपर बढ़ने से रोकता है वो फियर ऑफ फेलियर होता है राइट तो आप ये देखिए कि आप हर बार लर्न कर रहे हैं राइट आप जितना अपना लर्निंग को गोल रखेंगे जितना आप कोशिश करेंगे कि मुझे तो प्रीवियस मॉक से लर्निंग्स लेनी है जो मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ उससे लर्निंग्स लेनी है मैं एक मॉक दे रही हूँ तो मुझे लर्निंग्स लेनी है कि मैं कहाँ कहाँ पे फंस रही हूँ कहाँ पे मुझसे टाइम नहीं हैंडल हो रहा कहाँ पे मैं बहुत एंक्शियस हो जाती हूँ कौन सा सेक्शन मैं सोचती हूँ बढ़िया करूंगी या सोचता हूँ बढ़िया करूंगा पर नहीं हो पाता सो प्लीज अंडरस्टैंड फियर ऑफ फेलियर हैज टू गो अवे राइट क्योंकि अगर फियर ऑफ फेलियर रहेगा ना तो वो आपके दिमाग में आपकी इतनी ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा आपके इतने फोकस को खा जाएगा कि जहां पे आप बहुत सवाल सही कर सकते थे आप नहीं कर पाएंगे राइट और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं शुरू से कह रही हूं कि अगर आपका एनालिसिस पक्का नहीं है तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता एक मॉक पे एक बहुत स्ट्रांग एनालिसिस करना जरूरी है जितना स्ट्रांग एनालिसिस उतना बढ़िया इंप्रूवमेंट राइट तो आप ये देखिए ना कि अगर आपने 25 सवाल गलत किए तो आप आप ये देखिए कि 25 सवाल में से आप पांच ऐसी मिस्टेक्स ना दोहराएं राइट इतना तो आप कर सकते हैं अगर पांच भी आपको ज्यादा लग रही है, तो आप तीन से चार मिस्टेक्स ना दोहराएं राइट अगर आप ये कर रहे हैं कि भाई आपका एनालिसिस ये है कि बी मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए था मैंने सी मार्क कर दिया ओहो अच्छा मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया ओहो मैं तो बहुत सैड हूं मेरे मार्क्स नहीं आ रहे ये कोई एनालिसिस नहीं होता राइट right? इससे तो आपको ये पता चल रहा है कि आपके कितने सवाल गलत हुए पर क्यों गलत हुए इसकी रीजनिंग जानना बहुत जरूरी है है ना सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस और क्या रीजन हो सकता है आप ऐसा तो नहीं कर रहे कोई सेक्शन को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो जैसे आप क्वांट बिल्कुल नहीं कर रहे या से फॉर इंस्टेंस लॉजिकल रीजनिंग आप बिल्कुल नहीं कर रहे या इंग्लिश भी हो सकता है बिल्कुल नहीं कर रहे तो अगर आप एक सेक्शन को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो आप उसको एंड के लिए छोड़ रहे हो कई बार ऐसा होता है ना कि मैथ्स तो मुझे आता है तो मैं इसको एंड में कर लूंगी एंड पे फोकस करूंगी नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं करना राइट या मुझे कोई सेक्शन बहुत डिफिकल्ट लगता है तो मैं इसको बिल्कुल ही अटेम्प्ट करूंगा या नहीं करूंगा राइट तो दिस तरह का एटीट्यूड आपको मॉक्स में अच्छी परफॉर्मेंस को लाने से रोकता है सो ऑलवेज इंश्योर कि आपको सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं और जब आप सारे सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी तो ओवरऑल स्कोर अच्छा आएगा तभी तो ओवरऑल स्कोर में इंप्रूवमेंट होगी तो अब पॉइंट आता है कि भाई मैम अब करें क्या ये तो, कर right तो प्रॉब्लम like करें, करेंगे तो आप फंस जाएंगे सोचिए आपने सौ सवाल किए और सौ में से आपके पचास सवाल सही हैं ये एक सिनारियो है राइट दूसरा सिनारियो ये है कि आपने अस्सी सवाल किए और अस्सी में से आपके पिछहत्तर सवाल सही है राइट right? आप फर्क समझ रहे हैं दोनों केसेस में so, not saying कि पस, you know, सो आई एम नॉट से आप सौ सवाल ही करिए अस्सी करिए वो आपको डिसाइड करना है कि आप कितने सवाल कर पाते हैं बट माई पॉइंट इज यू है सारे सवाल करने की कोशिश में यू नो फिफ्टी परसेंट पेपर ही गलत कराओ इसका तो कोई आउटपुट ही नहीं, नहीं है ना तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें एक्यूरेसी और accuracy का मतलब क्या टाइम और स्ट्रेस को भी हैंडल करना है एंड इट इज हाई टाइम अब ये दोनों एस्पेक्ट को आप अपनी प्रेपरेशन में ले आए अगर इससे पहले आप मॉक्स कर रहे थे और आपने ये दोनों फैक्टर्स को बहुत स्ट्रांगली कंसिडर नहीं करा तो अब आपको करना जरूरी है तो वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग प्लीज इंश्योर दैट यू आर पुटिंग योर सेल्फ यू नो अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम एंड यू नो अंडर द सेम एनवायरमेंट ऑफ द एग्जाम राइट तो आप रिलैक्स करके मॉक नहीं दे सकते रिलैक्स होकर प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते फॉर दैट मैटर राइट आप ये सोच रहे हो कि आप यू you नो know, प्रैक्टिस कर रहे हो आपने पांच दस सवाल कर लिए सपोज बीस भी कर लिया आपने कहा अब बहुत पढ़ाई हो गई लेट मी जस्ट गो आउट एंड रिलैक्स नो भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क राइट अब आपका एग्जाम आ रहा है आपको वो माहौल बनाना पड़ेगा आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा आपको अपनी सिटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा राइट right? तो आई एम श्योर आप करोगे भी राइट सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी एंड लाइक ए सेट हैज टू इनकॉर्पोरेट द प्रेशर ऑफ टाइम एंड द प्रेशर ऑफ एग्जाम अभी आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस में अगर स्कोर आता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छी बात है पर क्योंकि आप एग्जाम

राइट right? अगर आपने हमारी कोई बैच में एनरोल कर रखा है तो आप क्लास को आपको पता है कि सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट को रिविजिट कर सकते हो सो उससे आपकी प्रेपरेशन और कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होंगे राइट करंट अफेयर्स लाइक आई सेट यहाँ पे आपको रेगुलरिटी मेंटेन करने की बहुत जरूरत है क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी इज द की तो जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आप बढ़िया इंप्रूवमेंट देखेंगे इज इट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब मैम आप इतना बात करती हैं कि मॉक को कैसे एनालाइज करें करना चाहिए एनालिसिस तो कैसे करें तो कैसे करें मैं आपको बताती हूँ मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स जो टॉपर्स निकले या जो बहुत अमेजिंगली वेल well कर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उन्होंने मेजरली सब ने मतलब मेजरली अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इन टोटेलिटी हंड्रेड परसेंट का अगर ब्रैकेट ले लें पिचानवे तो परसेंट लोगों ने एक टेबल बनाई राइट चाहे वो एक्सेल शीट बनाया चाहे पेंसिल पेपर पे बनाया, रजिस्टर में बनाया, एक टेबल बनाया जिसमें उन्होंने बहुत है, तो मैंने इसको फिल किया कि सपोज करो इंग्लिश है राइट तो मैंने इंग्लिश है इसमें मैंने कौन सा क्वेश्चन नंबर किया है मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर सपोज फाइव गलत कर दिया ठीक है अब वॉट डिड यू मार्क क्या मार्क किया था मैंने मैंने बी मार्क किया था आंसर और मैंने क्या सोच के रीजनिंग लगाई थी उसको मैं लिखूंगी राइट या फिर सोचूंगी तो ऐसा नहीं करे कि आपने आज मॉक दिया और पांच दिन बाद अब उसको एनालिसिस करने बैठे हैं दूसरे मॉक से पहले फिर तो आपने ना कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रखी ना कोई प्रैक्टिस की गुंजाइश रखी और आपने जो किया होगा एग्जाम में जो दिमाग लगाया होगा जो रीजनिंग लगाई होगी वो भी आप भूल जाएंगे तो जितना हो सके जल्दी ऐसा नहीं कह रही कि बस मॉर्क देके उठे थके हुए हैं और आप फिर एनालिसिस करने बैठ जाएं ऐसा भी मत करिए पर कोशिश करिए उसी दिन तीन चार घंटे का ब्रेक लेके आप एक स्ट्रांग एनालिसिस के लिए एक सेटिंग पर जरूर बैठे तो आपने बी मार्क किया अब आपकी कोई रीजनिंग लग रही होगी तो आपने उसके हिसाब से बी मार्क किया अब आप इतने बड़े बच्चे हो मॉक्स दे रहे हो तो आई एम श्योर आप ये तो नहीं कर रहे इनकी पिंकी पॉन्की करके तो आंसर चॉइसेस नहीं मार्क कर रहे तो अपनी रीजनिंग लिख दो कि ये सोच के मैंने मॉक में बी आंसर लगाया था पर सपोज करेक्ट आंसर डी है तो अब इसकी रीजनिंग देखो सोचो कि क्या हो सकती है रीजनिंग और इसके बीच में फ्लॉ कहां पर है गैप कहां पर आया प्रॉब्लम कहां पर आई अब प्रॉब्लम कई तरह की हो सकती है कई बार तो आपको लगेगा कि यार सिली मिस्टेक है लिख दो यहाँ पर लिख दो तो मेरी प्रॉब्लम सिली मिस्टेक थी राइट या फिर अरे यार क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ा तो जब आप लिखोगे ना कि मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया या मैंने सिली मिस्टेक कर दी और कई बार ऐसा भी होता है बच्चे कहते हैं कि मैम हमें तो बी मार्क करना था हमें पता था बी है और हम जल्दबाजी में सी लगाया है राइट ऐसी भी गलतियां होती हैं तो आपने लिख दिया सिली मिस्टेक है क्वेश्चन नहीं पढ़ा था या फिर यू नो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर लिखो ठीक है हमेशा एक लिस्ट बना लो कि ये मेरे एरियाज है जहां पे आपको लगता है कि काम हो सकता है जैसे सपोज करो फिगर ऑफ स्पीच का सवाल गलत कराए तो आपको लगता है काम हो सकता है इस इसपे मतलब एक बार मैं जाके वीडियो देख लेती हूँ या कॉन्सेप्ट पढ़ लेती हूँ फिगर ऑफ स्पीच की मेरा सवाल सही हो जाएगा डू दैट राइट इसका अब आपने इस इसपे करेक्टिव एक्शन लेना है राइट right? आपको अब पता चल गया कि मैंने एक क्वेश्चन मिस किया था इसकी वजह से मेरा आंसर गलत हो गया तो मैं आप क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा ध्यान दूंगी या फिर मैंने बी की जगह सी या सी की जगह बी मार्क कर लिया तो मैं ऐसी गलती करके आ रही हूँ आई विल बी मोर केयरफुल पर वो आपके दिमाग में सेट होने के लिए एक बार आपको उन गलतियों का एक्सपोजर होना तो जरूरी है सो आइडेंटिफाई वेयर इज द चैलेंज वेयर इज द प्रॉब्लम लाइंग एंड डू इट फॉर ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन जो आपने गलत किए हैं इतना एफर्ट करना होता है एनालिसिस में अगर सिर्फ कोरा कोरा टेस्ट देने से इंप्रूवमेंट आ जाता तो तो सब बच्चे कहते कि हम हम सब कहते थे दो टेस्ट लिख दो दिन में राइट right, बहुत सारे टेस्ट आप लिख दो कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा पर स्कोर हमेशा बढ़ता है जब आपका मॉक के बाद एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हो सो फॉर एवरी पॉसिबल क्वेश्चन दैट यू हैव हैोंग और कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी कि भाई मेरे को बी और सी में कंफ्यूजन था मैं सी मार्क करके आ गई आंसर भी सी है आई गॉट लकी पर मेरे दिमाग में अभी वो कंफ्यूजन नहीं क्लियर हुआ कि बी क्यों नहीं होना चाहिए था उन क्वेश्चन को भी एड्रेस करो राइट right? अगर आप इतना डिटेल में एनालिसिस करोगे तब इंप्रूवमेंट आएगा तब आपके स्कोर्स अच्छे होंगे तब आपको रिफ्लेक्ट करेंगे इम्प्रूवमेंट अगर आप एक करो बी गलत है सी सही हो, हो इतने गलत हो गए इतने सही हो गए तो फिर आपका कुछ नहीं होना राइट आई एम सॉरी बट दिस माइट साउंड स्लाइटली यू नो स्ट्रांग बट इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको बताना कि एफर्ट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मॉक्स में इंप्रूवमेंट के लिए ठीक है सो हाउ टू इम्प्रूव मॉक्स में क्या है वीक एरियाज पे काम करिए आफ्टर एनालिसिस वो तो बहुत ही जरूरी है अब कैसे करना है आपने वीक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया राइट right? आपने आइडेंटिफाई किया सपोज क्वांट के किसी टॉपिक में आपके सवाल नहीं हो रहे आपने लगातार देखा कि तीन मॉक्स में तीनों बार मैं एक कॉन्सेप्ट के सारे सवाल गलत कर रही हूँ तो आपको उस पर मेहनत करनी है उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है उसकी डीपीपी वापस प्रैक्टिस करनी है या उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और सवाल करने हैं राइट सो दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क ऑन द वीक एरियाज और कई बार क्या होता है क्योंकि एक हफ्ते का गैप हो गया सपोज एक मॉक आपने एक संडे को दिया दूसरा मॉक अगले संडे को दिया तो कई बार बच्चे एनालिसिस भी करते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि क्या गलतियां करी थी क्योंकि बहुत लंबा गैप आ गया उसके बीच में आपका स्कूल भी है आपकी क्लासेस भी हैं आप कोई और अपने सब्जेक्ट कंसर्न कोचिंग्स भी ले रहे होगे तो यार ऑलरेडी ऑक्यूपाइड तो उस टाइम आपको सजेशन क्या है कि जिस भी दिन आप मॉक देने जा रहे हो वो तो संडे को जा रहे हो तो सैटरडे इवनिंग को जो आपने लिस्ट बनाई थी गलतियों की एक बार उसको असेस कर लो एक बार उसको रीड कर लो रिविजिट कर लो तो आपके दिमाग में रहेगा आपने डिटेल में तो वो आइडेंटिफाई करा ही है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं एंड इफ यू आर यू नो टेकिंग अ लुक एट इट अगेन यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट वर द प्रॉब्लम एंड देन देल फाइंड अ अम्प्रूव देम राइट एटलीस्ट यूल बी थॉटफुल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां पे आप थॉटफुल होने लग गए ना वहां पर आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा ठीक है तो इंग्लिश और रीजनिंग में तो मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि क्वेश्चन को जितना हो सके ध्यान से पढ़िए क्योंकि आप देखिए कि दोनों ही पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है बट स्लाइटली देर इज अ डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्वेश्चन तो क्वेश्चन आजकल क्या करते हैं पैराग्राफ सिंपल है ऑप्शन आंसर च्वाइस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होते खेल क्वेश्चन पे जाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रिकी कर देते हैं तो थोड़ा सा टाइम अगर आप ज्यादा दोगे क्वेश्चन पे और हो सकेगा तो इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करोगे तो आप बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे कैसे आंसर्स को एलिमिनेट करना है इसकी एक मैंने वीडियो भी बनाई है राइट लॉ वाला चैनल पे आपको मिल जाएगी आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा दैट शुड बी सुपर हेल्पफुल राइट और क्यूए को इम्प्रूव मत करिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए आप यू you नो know, ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक सेक्शन छोड़ाएं और आप सोचें कि आपके मार्क्स आ जाएंगे सो प्लीज वर्क ऑन दिस सेक्शन ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल अब ये सारे स्टेप्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट करिए एंड आई एम श्योर यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब हर पॉसिंग मॉक में आपका स्कोर जरूर इम्प्रूव होगा अगर आप रिलीजियसली इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ वर्क वेरी वेरी हार्ड ऑल द बेस्ट थैंक यू